हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ क्वेश्चन बैंक न्यूमेरिकल सॉल्विंग सीरीज। अब इस लेक्चर में हम लोग डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला न्यूमेरिकल है, क्या कह रहा है पहला न्यूमेरिकल, द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जो दिया हुआ है ये वहाँ पर ही वैसा दिया है, मतलब मैं डायरेक्ट स्क्रीनशॉट्स ले रहा हूँ वहाँ उसके, ओके अपने PDF के। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पता नहीं वो छोटा मोटा उन्होंने कर दिया। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना है, ओके फाइव नॉट का वैल्यू दिया है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसलिए 1.6 इंटू 10^-19 जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अपने को वेवलेंथ निकालना है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। फाइव नॉट का फॉर्मूला है HC/λ0, तो लैमडा नॉट कितना हो गया HC/φ0। एच का वैल्यू 6.63 10^-34, सी का वैल्यू 3 × 10^8 अपॉन 4.2 इंटू 1.6 कितना होता है 16 × 32 3 16 × 4 = 64 67, तो 6.72 × 10^-19। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व किया लैम्बडा नॉट को, तो ऊपर का मल्टीप्लीकेशन आ गया 19.89 अपॉन 6.72, 10^ कितना बन गया ऊपर 27, -7 हो गया, -7 मीटर। अब इसको लॉग से सॉल्व कर लेंगे, लॉग 19.89 वन पॉइंट और लॉग 6.72 जीरो पॉइंट। ठीक है, तो 19.89 यानी 19 का 89 में 19 का 8 और 9 में मेन डिफरेंस 2987। ठीक है, 67 का 2 में 8274, 7-4 3, 8-7 1, 9-2 7, ये 12-8 4 1 कैरी 0.4713। 0.47 का 1 और 3 में मेन डिफरेंस 2960 है ना, तो इसका एंटी लॉग हो गया 2960 यानी 2.960। तो वेवलेंथ हो गया 2.960 × 10^-7 मीटर। एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है तो 2.960 × 10^-7 अपॉन 10^-10, तो वेवलेंथ हो गया 2960 एंगस्ट्रॉम। ये MCQ क्वेश्चन था लेकिन सॉल्व करके दिया है ना, सो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉल्स एन एल्यूमिनियम सरफेस जिसका वर्क फंक्शन दिया है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी इन जूल्स निकालना है। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी माइनस फाई नॉट, एनर्जी कितना है 6.2 माइनस फाई नॉट 4.2 विच इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अपने को जूल्स में निकालना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है, तो 1.6 × 10^-19 से मल्टीप्लाई, सो करेक्ट आंसर इज 3.2 × 10^-19 जूल्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन बी, सॉरी बी था ना, हाँ। प्लैंक्स कांस्टेंट इज 6.6 × 10^-34 जूल सेकेंड्स, द मोमेंटम ऑफ ईच फोटॉन इन अ गिवन रेडिएशन इज दिस मच लैम्बडा इज, लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई पी, ये फॉर्मूला है ना, एच का वैल्यू कितना 6.6 × 10^-34 अपॉन पी का वैल्यू कितना 3.3 × 10^-29 टू जा, तो 2 × 10^-7 मीटर है ना। तो 2 × 10^-7 मीटर आंसर चाहिए था है ना, ये आ जाएगा, सो यहाँ पे -7 करके ऑप्शन भी करेक्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे -7 चाहिए था, 10^-7। ठीक है, क्योंकि लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई पी, ये फॉर्मूला है, क्लियर विद दिस, ओके। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन मेटल इज दैट मच, यानी वर्क थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया है, कितना दिया है 7 × 10^14 हर्ट्ज।
फाइंड द वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला है एच न्यू नॉट, है ना, 6.63 10 टू द पावर माइनस 34, 7 इंटू 10 टू द पावर 14, तो वर्क फंक्शन कितना हो गया, 7 से मल्टीप्लाई, 7 थ्री ज़ार 21, 2 कैरी, 7 सिक्स ज़ार 42, 44 4 कैरी, 7 सिक्स ज़ार 42, 46, 46.41 10 टू द पावर माइनस 20 जूल, या 4.641 10 टू द पावर माइनस 19 जूल हो गया। तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर दो, इन्होंने नहीं किया लेकिन जनरली करते हैं, तो कैसे, डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कैंसल, तो 46.41 अपॉन 16, है ना, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना हो गया ये, 16 थ्री ज़ा 48 होता है, 16 टू ज़ा 32, है ना, 16 टू ज़ा 32 144, 16 नाइन ज़ा 2.90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रॉक्सीमेटली, है ना, सिंपल क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इफ इन अ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड वर्क फंक्शन इज दैट मच। के ई मैक्स निकालना है, सेम अभी अपन ने निकाला, के ई मैक्स का फॉर्मूला ई माइनस फाई नॉट, ई का वैल्यू कितना है, एनर्जी कितना है 4, माइनस वर्क फंक्शन 2.4, तो आंसर इज 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, वहां पे जूल में पूछा था इसलिए उसमें जूल में कन्वर्ट किया था, नहीं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रखते हैं हम लोग एनर्जी। ठीक है, फाइंड एनर्जी ऑफ फोटोन विच हैव मोमेंटम दैट मच, है ना, एनर्जी निकालना है, मोमेंटम दिया है, ओके, अब एनर्जी कैसे निकालेंगे, मोमेंटम से, है ना, मोमेंटम कितना दिया है, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना, यहाँ से अपने को, अपने को एनर्जी निकालना है, क्लियर, सॉल्व करते हैं। ओके, तो एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला है, देखो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर है, एम सी इंटू सी लिखेंगे, मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम, तो P इंटू सी है फॉर्मूला है, P कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16, C का वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 10 लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मीटर पर सेकेंड नहीं सेंटीमीटर पर सेकेंड में लेना है, क्योंकि ये सी जी एस में है, तो C का वैल्यू एक्चुअली कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, अपने को चाहिए सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सो करेक्ट आंसर है 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, एनर्जी का सी जी एस क्या है, अर्क, समझ में आया सबको। नेक्स्ट, इफ द टोटल एनर्जी ऑफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज इज 6.63 जूल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स इन द रेडिएशन। नाउ एक फोटॉन की एनर्जी कितनी है, एच न्यू, ऐसे कितने हैं एन, तो फॉर्मूला क्या हो गया, एन इज इक्वल टू ई अपॉन एच न्यू, ई का वैल्यू एनर्जी कितना है 6.63 जूल्स, एच का वैल्यू 6.63 10 टू द पावर माइनस 34, फ्रीक्वेंसी कितना है 10 टू द पावर 14 कैंसल, तो 1 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 20, तो 10 टू द पावर 20 फोटॉन्स, ये आंसर है, नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हैं 10 टू द पावर 20, कितने सिंपल है ना इसके न्यूमेरिकल्स, बहुत सिंपल। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 120 वोल्ट, तो वी का वैल्यू दिया है 120 वोल्ट्स, फाइंड इट्स डी ब्रॉय वेवलेंथ, है ना, डी ब्रॉय वेवलेंथ कितना होता है 12.27 अपॉन स्क्वायर रूट वी एंगस्ट्रॉम, या फिर 1.227 अपॉन स्क्वायर रूट वी नैनोमीटर, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, अपने बुक में ये यूज है, टेक्स्ट बुक में वो वाला यूज है, दोनों करेक्ट है, तो अपन वही वाला यूज करेंगे 1.227 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 120 नैनोमीटर, पहले स्क्वायर रूट ऑफ 120 निकालना पड़ेगा, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 120 कैसे निकालेंगे, लॉग 120 टू पॉइंट, है ना, व्हाट इज लॉग 120, 12 का जीरो में 0792 डिवाइड बाय 2 1.0396
एंटी लॉक 0.03 का 96 में, 0.03 का 9 और 6 में मेन डिफरेंस 1097, तो 10.97 आ जाएगा, है ना, 10.97। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, लॉग 1.227 0.12 का 27 में, 12 का 2 और 7 में मेन डिफरेंस, तो कितना हो गया ये 0888 यानी 0888। उसमें से ये इसका लॉग माइनस करना है, लॉग 10.97 का, 10 का 9 और 7 में, 10 का 9 और 7 में मेन डिफरेंस 0403, है ना, 10 का 9 7 में 0403, ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 8 और 5 में मेन डिफरेंस 1118, 1 एंटी लॉग आ गया 1118 यानी 0.118, तो वेवलेंथ का वैल्यू आया 0.118 नैनोमीटर। इसी को राउंड ऑफ किया इन्होंने 0.112 नैनोमीटर किया, ठीक है, समझ में आया सबको। नेक्स्ट, कैलकुलेट द स्टॉपिंग पोटेंशियल व्हेन द मेटल ऑफ वर्क फंक्शन 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इल्यूमिनेटेड विद द लाइट ऑफ एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ई वी एस इज इक्वल टू ई माइनस फाइव नॉट, ये इक्वेशन है, तो वी एस इज इक्वल टू ई माइनस फाइव नॉट अपॉन ई, ई कितना है, एनर्जी कितना है 2 माइनस 0.6 अपॉन ई यानी 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन ई, ई कैंसिल हो जाता है यहाँ पे, तो 1.4 वोल्ट, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझा सबको, सिंपल था। नेक्स्ट, कैलकुलेट डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ बुलेट मूविंग विद द स्पीड 90 मीटर पर सेकेंड हैविंग मास 5 ग्राम्स। डी ब्रॉय वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी 6.63 10 टू द पावर माइनस 34, मास कितना है बुलेट का 5 ग्राम्स है इसलिए 10 टू द पावर माइनस 3 और वेलोसिटी कितना है 90, तो कितना हो गया ये 6.63 अपॉन 450 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। अब इसको सॉल्व करेंगे, लॉग 6.63 जीरो पॉइंट और लॉग 450 2.66 का 3 में, है ना, 66 का 3 में मेन डिफरेंस 8215 450 यानी 45 का 0 में 6532 11 माइनस 3 8 1 कैरी 12 माइनस 6 6 1 कैरी 0.16 का 83 में 0.16 का 8 और 3 में मेन डिफरेंस 1473 तो 1.473 10 टू द पावर माइनस 2, है ना, तो 1.473 10 टू द पावर माइनस 2 10 टू द पावर माइनस 31, तो लैम्डा का वैल्यू हो गया 1.473 10 टू द पावर माइनस 33 यूनिट आएगा मीटर। पावर गलत लग रहा है क्या, माइनस 34 सही है, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 माइनस 3 प्लस 1, है ना, तो ये हो गया माइनस 3 करेक्ट है, माइनस 33 आना चाहिए, पावर गलत है। ओके, एक बार कैलकुलेट करके देख लिया हम लोगों ने, वापस क्रॉस चेक कर लेते, 5 ग्राम्स है तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 केजी करना पड़ेगा, है ना, और वेलोसिटी 90 है
ठीक है, तो आंसर कितना आया 1.473 इंटू 10 टू द पावर माइनस 33 है ना। द एनर्जी ऑफ फोटोन इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। कितने चिल्लर क्वेश्चन है ना यहाँ पे, तो फ्रीक्वेंसी निकालना है। फ्रीक्वेंसी इज ई बाय एच, ई कितना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसलिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन 6.63 10 टू द पावर माइनस 34, तो 3.2 अपॉन 6.63 10 टू द पावर 15 माइनस 34, ऊपर क्या प्लस 34, लॉग से सॉल्व करेंगे, लॉग 3.2 0 पॉइंट, लॉग 6.63 0 पॉइंट है ना, 3.2 करना है, 3.2 का लॉग तो 32 का जीरो में 5051, 66 का 3 में 8215, 11 में से 5 गए 6 एक कैरी, 5 माइनस 2 3, 10 में से 2 गए 8 एक कैरी, 15 में से 9 गए 6 एक कैरी 12 1, एंटीलॉक, एंटीलॉक कितना है 0.68 का 36 में, 0.68 का 3 और 6 में मिन डिफरेंस 4826, तो 4.826 10 टू द पावर माइनस 1 है ना, तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आएगा 4.826 10 टू द पावर माइनस 1, 10 टू द पावर 15 ऑलरेडी है, तो 4.826 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। बेटा ये हो गया फ्रीक्वेंसी। नाउ वेवलेंथ इज सी अपॉन न्यू, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितना आया 4.826 10 टू द पावर 14। अब वापस से सॉल्व करना पड़ेगा लॉग से, लॉग 3 0.4771, लॉग 4.826 0 पॉइंट, 48 का 26 में, 48 का 2 और 6 में मेन डिफरेंस 6835, 11 में से 5 गए 6 एक कैरी, 7 में से 4 गए 3, 17 में से 8 गए 9 एक कैरी, 14 में से 7 गए 7 एक कैरी, 12.7936 यानी 0.79 का 36 में, 0.79 का 3 और 6 में मिन डिफरेंस 6218, तो 6.218 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, 6.218 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, तो लैम्बडा हो गया 6.218 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर। लेकिन जनरली वेवलेंथ किस में डिनोट करते हैं, मीटर एंगस्ट्रॉम में, तो डिवाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 10, तो 6218 एंगस्ट्रॉम, तो दिस इज योर आंसर। ओके, थोड़ा सा फर्क आया कैलकुलेशन में, ठीक है चेक कर लेना, क्लियर। ओके नेक्स्ट, द वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेस इज 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज इज इंसिडेंट ऑन इट, कैलकुलेट द इंसिडेंट वेवलेंथ, फुल स्टॉप चाहिए था यहाँ पे, और क्वेश्चन है इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ऑकर और नॉट, है ना। दो क्वेश्चन है, वो समझ में नहीं आएगा लेकिन ध्यान में आ गया अभी मैंने करेक्शन किया वैसा। ओके तो पहले थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकाल देते, नहीं पहले निकालना पड़ेगा वेवलेंथ है ना, सी बाय न्यू 3 इंटू है ना 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंसिडेंट वेवलेंथ निकालना है ना, और फ्रीक्वेंसी कितना है 10 टू द पावर 15, तो वेवलेंथ हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर, इसको कन्वर्ट किया 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर को एंगस्ट्रॉम में, तो वेवलेंथ आया 3000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ इंसिडेंट वेवलेंथ, तो ये गलत है ना,
उन्होंने पूछा है इंसिडेंट वेवलेंथ और वैल्यू निकाल के दिया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का, ठीक है। चलो अब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी निकाल लेते क्योंकि आगे पूछा है ना इस फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ऑकर और नॉट, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा या नहीं वो तो डिपेंड करेगा लैम्बडा और लैम्बडा नॉट के वैल्यूज पे। तो पहले लैम्बडा नॉट निकालना पड़ेगा। लैम्बडा नॉट का वैल्यू कितना है, फाई नॉट बाय एच सी। फाई नॉट यानी वर्क फंक्शन कितना है, 3.1 इंटू 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन 6.63 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8, ठीक है। ऊपर का मल्टीप्लीकेशन कर लो, 16 वन जा 16 वन कैरी 16 थ्री जा 48 49, नीचे का मल्टीप्लीकेशन 19.89 10 टू द पावर कितना आएगा -7, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, लॉग 49.6 वन पॉइंट, लॉग 19.89 वन पॉइंट, है ना। 49.6 का लॉग क्या आएगा, 49.6 यानी 49 का 6 में 6955 और 19 का 89 में, 19 का 8 और 9 में 2987। तो 15 में से 7 गए 8 एक कैरी, 15 में से 9 गए 6 एक कैरी, 19 में से 10 गए 9 एक कैरी, 6 में से 3 गए 3 0.39 का 68 में, पॉइंट 39 का 6 और 8 में मेन डिफरेंस 2494, तो 2.494, तो ये हो गया 2.494 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर, है ना। तो लैम्बडा नॉट कितना हो गया 2494 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। आई गेस कुछ तो गलत है यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये फाई नॉट की वैल्यू कितनी है, 3.1 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये फाई नॉट है। सॉरी लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, एक्सट्रीमली सॉरी, ये कट कर दो, ये फॉर्मूला गलत हो गया अपना। क्योंकि फॉर्मूला क्या है, फाई नॉट इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा नॉट, तो लैम्डा नॉट इज एच सी बाय फाई नॉट। एक्सट्रीमली सॉरी, वो कट कर दो, पूरा कट कर दो, है ना, ये कैलकुलेशन भी काम के नहीं है हमारे। एच सी यानी कितना हो गया, 6.63 10 टू द पावर माइनस 34 3 इंटू 10 टू द पावर 8 3.1 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो ऊपर है 19.89 और नीचे है 49.6, 10 टू द पावर कितना हो गया -7। हाँ अब कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और ये हो गया 4.96 लॉग 19.89 वन पॉइंट, लॉग 4.96 जीरो पॉइंट, ठीक है। 19 का 89 में, 19 का 8 और 9 में 2987, 4 का 49 का 6 में, 49 का 6 में, है ना, 6 वन कैरी 6955, 7 में से 5 गए 2, 8 में से 5 गए 3 0, 12 में से 6 गए 6 एक कैरी 0, एंटीलॉग 0.6032, 0.60 का 3 और 2 में मेन डिफरेंस 4011, तो 4.011, तो लैम्बडा नॉट कितना हो गया 4.011 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर, है ना। इसको कन्वर्ट किया एंगस्ट्रॉम में तो वो आ जाएगा 4011 एंगस्ट्रॉम।
अब फोटो एमिशन होगा या नहीं वो डिपेंड करेगा लैम्डा के और लैम्डा नॉट के वैल्यू पे, है ना। तो हमारी लैम्डा की वैल्यू कितनी आई 3000 और लैम्डा नॉट कितना है 4011। तो सिंस लैम्डा इज लेस देन लैम्डा नॉट देयर फोर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन विल ऑकर। समझा सबको? क्योंकि कंडीशन क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, तीन कंडीशंस है, एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू फाई नॉट, फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एंड वेवलेंथ शुड बी लेस देन और इक्वल टू लैम्डा नॉट। ये तीनों कंडीशंस किसकी है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की। सबकी को समझ में आया? तो यहाँ पे ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एटम्स एंड न्यूक्लियाई इस चैप्टर पे बेस्ड न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। ओके, टिल देन बाय एवरीवन।